Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 15 अगस्त पे दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई। दोनों ही देशभक्ति के ऊपर बनी हुई फिल्में, लेकिन दोनों ही अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं। एक तरफ तो देश को गोल्ड दिलाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ करप्शन से लड़ते हुए एक इंसान की कहानी है। आपको बता दें कि पहली कहानी जिसके अंदर गोल्ड दिलाने की कहानी है, तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रीमा कागदी ने, और इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत ही बेमिसाल है। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार तपन दास का किरदार निभा रहे हैं। कैसे वो इंडिया को चौथी बार और पहली बार एक फ्री इंडिया की तरफ से गोल्ड दिलाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ सत्यमेव जयते जो कि जॉन अब्राहम की फिल्म है, ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इस फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरा हुआ है। अब बात करते हैं इन दोनों के कलेक्शंस की। तो पहले दिन के कलेक्शन की हम बात करें तो जॉन अब्राहम की फिल्म काफ़ी पीछे रह गई थी, लेकिन अक्षय कुमार ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। जॉन अब्राहम की फिल्म सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 करोड़ रुपए कमा पाई, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ले गई। लेकिन अब बात करें दूसरे दिन की कलेक्शन की, तो आज के बात करें तो आज गोल्ड ने लगभग 18 से 20 करोड़ की कमाई की है, तो वहीं पर जॉन अब्राहम की फिल्म ने 13 से 14 करोड़ रुपए तक की ही कमाई की है। दोस्तों, ये आंकड़ा काफ़ी अलग है, क्योंकि आपको बता दें जॉन अब्राहम की फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन मिली है गोल्ड के मुकाबले, और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स पर लगी हुई है। लेकिन जॉन अब्राहम की फिल्म गोल्ड को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है गोल्ड और सत्यमेव जयते में से ये जंग कौन जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको बॉलीवुड के खबर सबसे पहले।